डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज बंगेश्वर रस का एक बृहद का गुण और उपयोग और मात्रा आपको मैं बता रहा हूँ। इसके सेवन से नया चाहे पुराना किसी प्रकार का मूत्र विकार और वीर्य विकार में अच्छा लाभ करता है। मूत्रकृच में, मूत्रातिसार में, मूत्र मेह में, बहुमूत्र में, वीर्य विकार में यानी वीर्य की चिंता में, स्वप्न दोष में, प्रमेह में और मल त्याग करते समय पेशाब से वीर्य का गिरना या निकलना, शुक्र क्षय से उत्पन्न मंदाग्नि, आम दोष, अरुचि, रक्त पीत, ग्रहणी रोग एवं मूत्र विकार, वीर्य विकार, ये सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। यह औषधि जो है रसायन है, बाजीकरण है, आयु बल वीर्य का वृद्धि करता है, ओज का वृद्धि करता है और कांति वर्धक है, दुर्बलता नाशक है। आज के नवयुवक जो हैं चित्त की चंचलता के कारण मानसिक उन्पात बढ़कर वीर्यवाहिनी में विक्षोभ पैदा कर स्वप्न दोष की शिकायत उत्पन्न कर देता है। धीरे धीरे इस रोग में धातु में प्रति विक्षोभ क्षय होकर ज्वर, दाह, आपको दिल का धड़कन बढ़ जाना, कब्ज रहना, शरीर में दर्द रहना और थकावट से पीड़ित रहता है। और अगर बंगेश्वर रस का सेवन किया जाए, यह औषधि का सेवन किया जाए तो सारा बीमारी जो है आपके शरीर से दूर हो जाता है, स्वप्न दोष भी दूर हो जाता है और स्वप्न दोष से जितने उपद्रव होते हैं वो जो है समाप्त हो जाता है। और यह औषधि जो है सभी धातु को पुष्ट करता है और बल में वृद्धि करता है, वीर्य में वृद्धि करता है, ओज का वृद्धि करता है और कांति वर्धक है और दुर्बलता को नाश करता है। और साथ में यह औषधि जो है रसायन है, बाजीकरण है और बहुत अच्छा औषधि है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर करें। और इसकी मात्रा बतला रहा हूँ, एक गोली प्रातः एक गोली संध्या को दूध के साथ सेवन करें। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।